हे गाइस, वेलकम टू अनदर ब्लॉग। ये ब्लॉग बेसिकली दो पार्ट में आने वाला था। एक होता बड़ीशाह, दूसरा होता बड़ीशाह टू ढाका, फिर ढाका पर मैंने जब स्टे किया था तब का। पर मैंने सोचा कि दो पार्ट से अच्छा इसे एक पार्ट में दिखा दूँ, क्योंकि ढाका पर ज़्यादा मतलब बड़ीशाह पर ज़्यादा दिखाने के लिए कुछ नहीं था। जो कुछ भी दिखाने के लिए था वो मैंने एक ही क्लिप में कंप्लीट कर दिया है। सबसे पहले आप लोग जो बोर्ड वाला क्लिप देखेंगे वो 200 साल पुराना है, वो बड़ीशाल पर मिलता है, वो ढाका पर नहीं मिलता है। और आप लोग समझ जाएंगे कि कब से ढाका का जो ब्लॉग है वो शुरू हो रहा है और कब बड़ीशाल का ब्लॉग ख़त्म हो रहा है। तो इसके साथ साथ एक नए वीडियो की शुरुआत करते हैं। चलिए, several times it hurts to admit that we're no different. I find it hard to commit, but you don't even try. Still I'm better with than without you. Oh, whatever it is, I keep on trying. 'Cause it ain't hard to forgive when you know what it's like. That's why I'm better with than without you. वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज मैं हूँ ढाका पर और दिखा देता हूँ। अभी मैं एक ब्रिज पर हूँ, उस ब्रिज का नाम अभी तक मुझे नहीं पता है। तो चलो, ब्रिज के ऊपर से मैं नीचे का व्यू दिखा देता हूँ, देखते रहो ब्लॉग। Oh,
got history, yeah. Wherever love flows, there is also tragedy when we're in too deep. And you and I, we got history, yeah. आप लोगों ने फोर्ट देखा वो है लालबाग फोर्ट. इसे मुगल्स आए थे उन्होंने तैयार किया था. औरंगज़ेब के तीसरा जो बेटा था मोहम्मद आज़म, उन्होंने ये तैयार किया था. ये इनकम्प्लीट कहा जाता है और यहाँ पर बहुत सारे सुरंग वुरंग हैं. और ये फोर्ट 1678 को तैयार किया गया था और बहुत ही बड़ा फोर्ट है. मैं दिखा देता हूँ कैमरा बैंड करके. अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए. और कमेंट करना कि आपको कौन सा जगह सबसे ज़्यादा अच्छा लगा, वो जो बहुत पुराना जो फोर्ट था वो, या फिर 200 साल पुराना जो बोट था. पर्सनली मुझे तो वो जो फोर्ट था वो बहुत फेवरेट लगा. तो चलो मिलते हैं एक और ब्लॉग पर. बाय.